हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री हैंड आउटलाइन के बारे में। तो कोई भी हम मान लो कोई भी हम स्केच बनाते हैं या फिर एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो सबसे पहले शेडिंग करने से पहले हम उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो उसी को हम आउटलाइंस कहते हैं। तो काफ़ी लोगों से आउटलाइन अच्छे से नहीं बन पाती है, एक्यूरेट नहीं बन पाती, मुझसे भी नहीं बन पाती थी पहले। मैं भी प्रैक्टिस करते करते इम्प्रूव आऊँ, और मैं आपको आज ड्रॉ करके बताऊँगा किस तरह से आप बिल्कुल एक्यूरेट फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आउटलाइन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी नॉर्मल पेपर यूज़ कर सकते हो, एंड मैं 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा, एंड आपको लाइट से लाइट पेंसिल का ही यूज़ करना है आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं मेजर कर लूँगा कि पेपर पे कितना मेरा स्केच आना चाहिए। सो सबसे पहले मैं गॉगल से स्टार्ट करूँगा, तो जो भी डार्क पार्ट्स होते हैं उन्हीं की हमें आउटलाइन निकालनी है। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आप थोड़ी बहुत शेडिंग भी कर सकते हो। तो मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर ली है क्योंकि रियल टाइम में मुझे इसे बनाने में 30 से 40 मिनट्स लग गए थे। एंड गाइस, फोटो को ब्लैक एंड वाइट करके आप अच्छे से भी ड्रॉ कर सकते हो, पर मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गाइस, फ़ोन की जगह अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो भी चलेगा। तो अगर आप प्रिंट आउट लोगे तो मेजर भी आप कर सकते हो स्केल का यूज़ करके या फिर पेंसिल का यूज़ करके। एंड गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि फ़ोन से ड्रॉ करना हार्ड है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज, आप फ़ोन से भी काफ़ी अच्छे ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है एक एक पार्ट को। एंड गाइज, अगर आपकी आउटलाइन अच्छे से नहीं बन पा रही है तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। तो स्टार्टिंग में आपसे टेढ़ी मेढ़ी ही बनेगी, मुझसे भी टेढ़ी मेढ़ी बनती थी, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, तो एक ना एक दिन आप डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाओगे। सो गाइज, हमारी आउटलाइंस तो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप इसमें अच्छे से रियलिस्टिक शेडिंग भी कर सकते हो। अभी मैं जल्दी जल्दी मैं हैचिंग कर रहा हूँ, तो अब ये 90% तो आई थिंक एक्यूरेट ही है, बस आई थिंक फेस थोड़ा पतला हो गया है, तो मैं ठीक कर लेता हूँ इसे।
एंड बाकी कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है जो कि आप शेडिंग शेडिंग करने के बाद ठीक हो जाती है। सो गाइस, अब मैं आपको ये लिप्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो उसमें भी मैं जो भी लिप्स की आउटलाइन है उसी को ड्रॉ करूँगा। एंड आप हल्की फुल्की शेडिंग ज़रूर करना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही बना रहे हो या नहीं। तो गाइस, ये आई भी मैं सिंपली वही टेक्निक का यूज़ करके बनाऊँगा। जो भी डार्क डार्क पार्ट्स है, जैसे कि आईज है, आईब्रोज है, वहाँ पे हल्की फुल्की शेडिंग ज़रूर कर लूँगा मैं। सो गाइस, हेयर ड्रॉ करने की भी वही टेक्निक है, बस आपको आउटलाइन निकाल लेनी है जहाँ पे भी आपको हेयर ड्रॉ करने हैं। सो गाइस, इस तरह से आप फ्री हैंड आउटलाइंस को प्रैक्टिस कर सकते हो एंड बिल्कुल आराम आराम से आप ड्रॉ करो। ऑब्जर्वेशन और पेशेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। एक तो आप घाई घाई में मत बनाओ, जल्दी जल्दी में मत बनाओ, अच्छे टाइम लगा के बनाओ, ऑब्जर्व करके एक एक पार्ट को। एंड बाकी जो ग्रिड मेथड है, मेजरमेंट की मेथड होती है, किस तरह से आप स्केल से मेजर करके ड्रॉ कर सकते हो, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड शेयर योर सजेशंस एंड एडवाइस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।